सो हे एवरीवन, नीतीश यादव ऑन दिस साइड एंड वेलकम टू यू ऑल टुडे न्यू एजुकेशन वीडियो। सो आज की डेट है 9th of August वेडनेसडे। सो आइए हम लोग और देख लेते हैं चल के अपने ट्रेडिंग पैनल पे कि हम लोगों ने आज कितना प्रॉफिट या कितना लॉस किया है और ओवरऑल मार्केट आज का कैसा रहा है निफ्टी 50 का। आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देख लेते हैं स्क्रीन पे, और आप लोग ये देख सकते हैं आज का चार्ट है निफ्टी 50 का। सो आज का मार्केट जो है यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को टाइम देखिए 9:15 AM हो रहा है। तो ये पहली कैंडल है। तो यहाँ पे मार्केट जो है फ्लैट ओपनिंग के साथ यहाँ पे लगातार सेलिंग आई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक पूरा सेलिंग आई है लगातार। लगभग ये एक बजे तक यहाँ पे सेलिंग आई है, एक बजे तक लगभग पूरा ये मार्केट था और हम लोगों ने यहाँ पे एब्जॉर्व किया था और दूसरी कैंडल में यहाँ पे अपना एक होल्ड लिया था। यहाँ पे हम लोगों ने इस कैंडल में अपना, जब हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है, ये ब्रेकआउट दे दिया था यहाँ का, जो कल यहाँ पे जहाँ सपोर्ट लिया था मार्केट ने उसका यहाँ पे जब ब्रेकआउट होते हुए देखा तो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली अपना जो है वो बना लिया था अपना पोजीशन। तो हम लोगों ने जब पोजीशन बनाया तो हम लोगों ने टारगेट रखा था कम से कम जो है मार्केट का कम से कम 20 रुपए का टारगेट रखा था अपना कि 20 रुपीज मिल जाए हम लोग तो मार्केट से निकल जाएंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, 20 रुपीज तो दिया नहीं, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने लगा तो हम लोग को लगा कि अब ये जो है मार्केट जो है अपना जो है यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ये अब दूसरा स्विंग क्रिएट करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा देर वेट किया, यहाँ पे जब 2-3 कैंडल यहाँ तक आया रिवर्स होके तो हम लोगों को लगा कि मार्केट अब जो है यहाँ से लग रहा है नीचे नहीं जाएगा, ये अगर ये एक होल्ड होता तो फिर यहाँ पे मार्केट 1-2 कैंडल के बाद यहाँ पे नीचे जाता, बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना पोजीशन हम लोगों ने ब्रेक इवन पे कट किया था, लगभग उस समय अप्रॉक्स 2000 का प्रॉफिट चल रहा था तो हम लोगों ने पोजीशन अपना एग्जिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर अपना दूसरा ट्रेंड प्लान किया हम लोगों ने, तो उसका प्लान हम लोग कर ही रहे थे। तो फिर जैसे मार्केट यहाँ पे आया फिर यहाँ पे हम लोगों ने अपना पोजीशन बनाया कि अब यहाँ पे मार्केट आ गया है तो यहाँ पे सक्सेसफुली अपना जो है होल्ड क्रिएट किया है मार्केट ने, सपोर्ट लिया मार्केट ने, हम लोग सोचा कि यहाँ पे अपना बनाएंगे एक ट्रेड और जो है ये अपना एक स्विंग क्रिएट करेगा। बट यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया, यहाँ से लेके पूरा 1-1.5 घंटे तक मार्केट पूरा यहाँ पे साइडवेज था ज्यादा देर तक। तो इसमें हम लोगों ने लगभग 2-3 ट्रेड अपना पंच कर दिया था और इसमें हम लोगों को लगभग कुल ओवरऑल जो है लॉस था जो 6000 हो गया था लगभग। आप लोग दिखाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा ये लॉस जो है, ये जो है अपना थीटा डीके होके और मार्केट को साइडवेज होके हम लोग बिहेवियर समझ नहीं पाए यहाँ पे कि मार्केट साइडवेज है। तो हम लोगों को यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे आके एग्जिट हो गया, यहाँ पे फिर 1-2 जगह एंट्री बनाई कि आप मार्केट ऊपर जाएगा आप जाएगा ऊपर, बट वो जा नहीं रहा था वहां से। तो हम लोगों ने जब वहाँ पे 6000 का अपना लॉस जो है अपना वो कर लिया, बुक कर लिया, तो हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे, अपना माइंड को जो है शांत करके अपना देख रहे थे कि अब क्या होगा अब क्या होगा। तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पे देख रहे थे ट्रेंड लाइन पे चल रहा था। तो फिर फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे अपना एक सपोर्ट क्रिएट किया और यहाँ से बाउंस बैक लिया फिर से। फिर जैसे ही बाउंस बैक लिया यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कम से कम इसका ब्रेकआउट दे के, यहाँ पे कम से कम इसका ब्रेकआउट दे, यहाँ पे जो कल का ये था सपोर्ट इसका ब्रेकआउट दे तो हम लोग अपना पोजीशन कुछ बनाने का कोशिश करें। तो ओवरऑल हुआ वही कि यहाँ पे अपना जो है मार्केट यहाँ पे आया थोड़ा हल्का सा यहाँ पे साइडवेज बिहेव तो किया, बट यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आया तो था, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट इसने सक्सेसफुल दिया तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया था। आप लोगों को दिखाते हैं एंट्री, हम लोग की एंट्री ये थी 2:40 2:26 पे हम लोग की एंट्री थी। हम लोग की एंट्री ये यही है जी, इस कैंडल में हम लोग इस कैंडल में एंट्री हुई थी और यहाँ तक का पूरा टारगेट हम लोगों ने लगभग कितना था आप लोग देख सकते हैं, 77 रुपीज पे यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया था और 105 रुपए पे 195 रुपीज पे यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया है। तो ओवरऑल प्रॉफिट आप लोगों को दिखाते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे आके हो गया था 9000 अप्रॉक्स 10000 का यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो गया था यहाँ पे। तो इसमें लॉस भी रिकवर हो गया था हम लोग का और जो है अपना 2800 का प्रॉफिट भी हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि बस करो अब आज का हो गया एग्जीक्यूशन, नहीं तो इससे ज्यादा करेंगे ट्रेड तो दिक्कत है फिर। तो आज का ओवरऑल यही था और मार्केट ओवरऑल यहाँ पे सेकेंड हाफ में जो है अपना मार्केट यहाँ पे बुलिश था, ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ अपना हाई इंटरडे हाई को भी तोड़ के यहाँ पे अपना आज का ये जो है ओवर हुआ है मार्केट। अब देखते हैं कल के मार्केट में, कल का मार्केट कैसा रहता है। तो गाइज आप लोगों ने जैसा कि देखा कि हम लोगों ने अच्छा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं डेली का डेली जो है इस साइडवेज मार्केट में, बहुत चौपी मार्केट में हम लोग जो है अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग अभी इस समय थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट्स बुक कर रहे हैं हम लोग, जिससे क्या बोलते हैं अपना हम लोग का साइकोलॉजी ना खराब हो। अगर हम लोग अगर इस समय लॉस करेंगे इस चौपी मार्केट में ज्यादा तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए छोटा छोटा टारगेट अपना रख के हम लोग मार्केट से निकल जा रहे हैं। जब अच्छा मार्केट चलेगा तो हम लोग अच्छा अच्छा टारगेट बुक करेंगे, अच्छा अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे।
सो यही था एग्जीक्यूशन वीडियो आज का, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। आप लोग का अगर कोई भी दिक्कत आ रही है अपना ट्रेडिंग से लेके रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड हो अपना, तो कमेंट करिए, बताइए हमको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। सो आप लोग लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप लोग नए हो तो, डेली अपडेट वीडियो आप लोगों को पड़ती रहेगी। थैंक यू गाइस, लव यू।